वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी बैल्कनी में बैठी हूँ जिसको हमने एक गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है, और वो गार्डन है मेरे बेटे शयान के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे घर से गार्डन थोड़ा दूर है तो उसे जाना, रोज़ लेके जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम लोग ने उसके लिए एक छोटा सा गार्डन हमने हमारे घर में ही बना दिया है। यह हमारा हॉल की बैल्कनी है जिसका साइज़ है 2x8 फुट, और इसमें हमने ग्रीन ग्रास लगाया है, ग्रीन ग्रास कारपेट लगाया है, जिसकी वजह से कभी शयान गिर गया या कुछ हो गया तो वो एक सेफ्टी रहेगी कि उसको लगेगा नहीं, वो हमने लगाया है ताकि उसको कभी घिरे तो उसको कुछ लगे करे ना। गार्डन बनाते वक्त आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, जैसे ये ग्रीन कारपेट हो गया, और जैसे आपका अगर बैल्कनी खुला है, ओपन है, तो आपको ग्रिल लगाना पड़ेगा उस बैल्कनी में, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा कभी शाम में भी खेले तो आप मॉस्किटो नेट भी लगा सकते हो। हमने छोटा सा एक वॉल ऑफ आर्ट बनाया है उसके लिए, जिसमें कभी उसका मन करे तो वो आके ड्राइंग वगैरह करता है। और आप, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप भी अपने घर में लगाओ ये पेपर। अगर आपका बच्चा वॉल गंदी करता है जैसे क्रेयॉन से, कलर से, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप कोई भी अपने बेडरूम में या हॉल में वॉल ऑफ आर्ट बना के रखिए, जिसकी वजह से ये बच्चा सिर्फ वहीं पेंट करेगा, कलर करेगा जहाँ पर ये पेपर हो। ये मैंने कुछ बुक्स रखी है उसके लिए, जो शेप्स हैं, अल्फ़ाबेट्स है, एनिमल्स है, गुड मैनर्स है, और समथिंग उसकी जो फेवरेट्स बुक्स है जैसे एलिफेंट वगैरह है, वो सारी बुक्स भी मैंने यहाँ रखी है। मेक श्योर कि आप गार्डन में लर्निंग टॉयज भी रख रहे हो, जैसे हमने ये शेप्स वगैरह रखे हैं, ये हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स भी रखे हैं, थोड़े एजुकेशन टॉयज ज़्यादा रखे हैं ताकि वो सीखे। बेटे की कार का कलेक्शन है, जो जिसे खेलता है वो, और उसे कार बहुत पसंद है। हमने थोड़े एक्टिविटीज टॉयज भी रखे हैं, जैसे बॉल कोट हो गया जो उसकी नानी ने गिफ्ट किया था उसे बर्थडे में, फर्स्ट बर्थडे में, और हमने रिंग इन द हैंड भी रखा है जो बच्चा खेल सके। स्विंग भी हमने लगाया है जिसमें वो सुबह में अपने बैठ कर फ्रूट्स खाता है। और ये DIY क्रिसमस ट्री है जो उसकी दादी ने उसे बना के दिया है, तो हमने इसे हैंग कर दिया है इधर। गाइस, आपको ये लग रहा होगा कि ये गार्डन बहुत एक्सपेंसिव है, बट नहीं, ये बहुत रिजनेबल रेट से बना है ये गार्डन। आप चाहे तो अपने बच्चे के लिए ये छोटे मोटे टॉयज जमा करके उनके लिए एक अच्छा गार्डन बना सकते हो। गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।